कांग्रेस की स्थिति आप सबके सामने है। पिछले कल उनकी प्रदेश अध्यक्षा और वर्तमान में मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जब लड़ने वाले नहीं है तो उतारें किसको? ये कांग्रेस की मुसीबत है और कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हो रहा है, तो अभी ढूंढ रहे हैं वो कैंडिडेट्स। तो ऐसे एक जिसको कहते हैं औपचारिकता पूरी कर देंगे और कांग्रेस चारों सीटों के ऊपर बुरी तरह से हारेगी, क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बुरा हाल है। वो भी अपनी अपनी सीटें छोड़ करके सब देश के अंदर भाग रहे हैं, राज्यसभाओं की शरण ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी हिमाचल प्रदेश इतनी मजबूत है कि उसके काम को देख करके हिमाचल में कोई भी कांग्रेस का लीडर एमपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। जी हम पिछले एक डेढ़ साल से बोल रहे हैं जब से गवर्नमेंट आई है, लेकिन वो बोलते थे कि हम लोग बड़े मजबूत हैं, हम लोग पूरी टक्कर देंगे, हम लोग सीटें जीतेंगे। आज उनके ध्यान में आ गया है कि उनकी प्रदेश अध्यक्षा जी भी छोड़ करके चले गए, तो जो ऐसा ही होगा इनका, इनको छोड़ देनी चाहिए, सीटें बाकों पर दे देना चाहिए, क्योंकि हमने ही जीतना है, जहां से चारों सीटें बीजेपी की ही आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।